खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर साल की तरह इस साल भी जोसेफ पटेल स्टेट नवरात्रि दुर्गा पूजा मंडल व मारा स्वाभिमान पक्ष की ओर से भव्य दहीहंडी उत्सव साजरा किया गया। यहाँ पे कई दहीहंडी पथक आए। सलामी दी गीता यादव माजी नगर सेविका व विनय यादव मारा स्वाभिमान पक्ष के मुंबई सचिव ने यह आयोजन किया था। मानव श्रृंखला की 6 पिरामिड लगाई गई, किसी ने 7 लगाई तो किसी ने 8। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया दहीहंडी पथक में। यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे खासदार नीलेश राणे। क्या कुछ कहा यहाँ विनय यादव, गीता यादव और नीलेश राणे ने, आइए आपको ले चलते हैं इस दहीहंडी कार्यक्रम में, आप खुद ही सुन लीजिए। हर साल आता हूँ यादव फैमिली के साथ, मेरा एक अलग नाता है उनके प्रोग्राम के लिए, सिर्फ दहीहंडी के लिए नहीं, हर चीज़ में मैं उनके साथ हूँ। ये दिखाने के लिए मैं हर साल उनके साथ खड़ा रहता हूँ। आज जो फेस्टिवल है दही काला का, ये मुझे ऐसा लगता है मेरा जोसेफ पटेल कंपाउंड में ये तीसरा है, चौथा साल है। और यहाँ के जो विषय भी है वो मुझे श्रीमती गीता यादव जी, विनय यादव मेरे पास लाते रहते हैं, क्योंकि मेरा खुद का ऑफिस यहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ों से मैं बहुत बहुत क्लोज हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ आना, मेरे लिए मेरे ही किसी आदमी, मेरे किसी घर के प्रोग्राम में आने जैसा है। और गोकुलाष्टमी ये महाराष्ट्र का जो एक प्राइम फेस्टिवल माना जाता है, वो एक हमारा कल्चर है, वो कल्चर आने वाले जनरेशन को भी समझ में आना चाहिए। उनको आज जो हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं उससे ज़्यादा सेलिब्रेट हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाला जनरेशन करना चाहिए। इसके लिए इनको प्रोत्साहन देने के लिए इनके साथ खड़ा रहता हूँ, और यही मुझे आज आपके चैनल के माध्यम से आप सबको भी मैं गोकुलाष्टमी की मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। हमारे दिमाग में तो है, उनके साइड से जो तैयारी लगेगी वो करते हैं। ये जो आप प्रोग्राम देखते हैं ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, मुंबई में बहुत तकलीफ़ है ये सब प्रोग्राम करने में, तो उनमें कैलिबर है। और हमारे जैसे लोग उनके साथ जुड़े तो 101% वो कोई ना कोई पोस्ट पे आज ना कल जाएंगे, उसके लिए हम लोग सब कोशिश करेंगे। विनय के बारे में विनय और मेरा बहुत सालों का परिचय है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारे विषय आते हैं, और जिस एरिया में हम रहते हैं वो एरिया के लोगों को क्या चाहिए, वो हमेशा विनय यादव जब भी मुझे मिलने आते हैं वो मेरे पास वो सारी समस्याएं लेके आते। कभी खुद के लिए कुछ मांगा मुझे याद नहीं, पर जोसेफ पटेल कंपाउंड हो या आसपास का एरिया हो वहाँ पे क्या अच्छा होना चाहिए, उसके लिए विनय यादव हमेशा खड़ा रहा है, अब आगे भी खड़ा रहेगा। और आज लोक प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, जो हम में से एक लगे ऐसा कोई लोक प्रतिनिधि होना चाहिए, तो हमारे जो सपने हैं विनय के लिए वो बहुत उनको आगे लेके जाने का काम हम करेंगे। ऐसा ही काम उनके हाथों से होता रहे, आगे भी होता रहेगा, इसमें मेरे मन में कोई शंका नहीं है। और इसके लिए मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, वो इतने साल से ये सब उपक्रम कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, फेस्टिवल्स कर रहे हैं, आगे भी ये सब करते रहेंगे, बड़े लेवल पे करेंगे, इसके लिए मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। जोसेफ पटेल स्टेट दुर्गा पूजा मंडल की अध्यक्ष, सभी दहीहंडी मंडलों को हार्दिक स्वागत है।